महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बीजेपी के कोटे से आज अपना नामांकन पत्र भरा। 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी के कोटे से रामदास अठावले को अपना उम्मीदवार चुना गया है। साथ ही शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले भी बीजेपी के कोटे से राज्यसभा जाएंगे। तीन उम्मीदवारों की सूची बीजेपी द्वारा जाहिर की गई है। उन तीनों उम्मीदवारों में से दो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र आज भर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कई अहम मुद्दों पर अपनी भूमिका रखी, जिसमें कोरोना वायरस से लेकर मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से आने वाले दिनों में बदलाव होगा उसे लेकर अपनी भूमिका साफ की। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को भीड़भाड़ के इलाकों से बचना चाहिए। साथ ही जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार उलट पुलट होने की आशंका जताई जा रही है, वहाँ बीजेपी की सरकार बन सकती है, वैसे ही सेम सत्ता का वायरस महाराष्ट्र में भी आएगा और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से जो सरकार है वो बदलेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का नंबर आएगा। उनका ये विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वो चली जाएगी और आने वाले दिनों में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। उनके इस विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं वो आने वाली बात देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उनकी उम्मीदें कायम हैं। मध्य प्रदेश को लेकर एमपी का आप कह रहे हैं कैसे आएगा? आप कह रहे हैं कि एमपी का वायरस महाराष्ट्र में आएगा, कैसे आएगा? महाराष्ट्र आएगा मतलब मध्य प्रदेश नजदीक है, मतलब बॉर्डर ही है, आने के लिए कोई प्रदेश नहीं कर सकेगी। वायरस अगर वो चाइना से इधर आ रहा है तो मध्य प्रदेश इधर आने में क्या लगता है? सर क्या वायरस प्रदेश से हो सकता है, देखते हैं अगर क्या होता है, लेकिन हमें आशा है कि भाई जरूर ऐसा कुछ महाराष्ट्र में हो सकता है। और एक एक राज्य अभी पहली बार मध्य प्रदेश हुआ है, बाद में राजस्थान का नंबर लग जाएगा। और अभी वायरस जो है डायरेक्ट मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आता है या वाया राजस्थान आता है वो देखते हैं, लेकिन वो जरूर आएगा और महाराष्ट्र में जरूर सत्ता बदल। सर इस वायरस का नाम क्या है आपके हिसाब से? इस वायरस के बारे में आप बात कर रहे हो जो वायरस एक कोरोना वायरस जो चाइना से आया, इस वायरस का क्या नाम है? ये कोरोना वायरस तो मतलब वो अलग बात है, लेकिन ये जो वायरस सत्ता का वायरस है, सत्ता मिलने के लिए मतलब ये वायरस अगर इधर आ जाएगा तो ये हवा अगर इधर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ हमारी सत्ता आ जाएगी। सवाल साहब कहते हैं सर आपका एक वीडियो भी चाइना के एम्बेसडर थे और एक एनजीओ ने प्रोग्राम रखा था और इंडिया गेट पर मतलब हमने एक फंक्शन किया था, तब जो कोरोना की शुरुआत थी चाइना में तो ज़्यादा थी, लेकिन और किसी इंडिया में या महाराष्ट्र में इधर कोई एक नहीं था, तो तब हमने ये बोला था कि भाई कोरोना गो उसके बाद हमको बोलना पड़ेगा महाविकास आघाड़ी को ये वो मेरा जो है वायरस हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी न लगा होगा, लेकिन इसमें भावना इतनी थी कि भाई हम कोरोना को तुम इधर से जाइए दुनिया से जाइए और किसी को तकलीफ मत दीजिए, ऐसी भावना से हमने कोरोना को ऐसा एक फंक्शन हमने किया था। सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। महामारी घोषित किया है क्योंकि अपने देश में 100 साल पहले भी प्लेग जैसा एक डिजीज आया।
सौ साल के बाद मतलब कोरोना चाइना के माध्यम से मतलब इंडिया में भी आ रहा है, इंडिया में वैसा ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डिजीज है, ये महामारी है, ये सब लोगों को मारने वाला ये रोग है, और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार भी जो उद्धव ठाकरे साहब के जो नेतृत्व में काम कर रही है, वो जो अपने महाराष्ट्र में भी कुछ लोग मतलब कोरोना वायरस वाले मिले हैं, वो सब उनके ऊपर अच्छा इलाज भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको रोकने की काफ़ी आवश्यकता है, मतलब ये पकड़ेगा तो काफ़ी लोगों का नुकसान हो सकता है, लेकिन हम सब लोग मिलकर मतलब एक दूसरे की ज़िंदगी को पहुँचाने के लिए हम लोगों ने काम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैं बोला था कि मतलब ये कोरोना की अपने देश में आ गई है रात काली, मत खेलो होली, तो मतलब होली खेलने से काम नहीं चलेगा, और एक दूसरे को मत दे दो ताली, एक दूसरे को मत दे दो ताली, नहीं तो अपनी ज़िंदगी की हो जाएगी होली। तो इसीलिए मतलब हम सब लोगों ने मिलकर कोरोना का मतलब विरोध करना है, उसको हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए हम सब लोगों ने कोशिश करनी चाहिए, सरकार ने भी करनी चाहिए, और हम सब लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा के पूर्व लोकसभा सांसद उदयन राजे भोसले ने भी आज विधानसभा में राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनको बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, कई जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो मौजूद थे। और जिस तरह से एनसीपी छोड़कर उदयन राजे भोसले बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, और बीजेपी ने जिस तरह से उनसे वादा किया था आज वो वादा उन्होंने निभाया, उदयन राजे एक बार फिर राज्यसभा में